क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द ड्राई रेसिस व्हेन प्लेस इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम। देखो अगर आप प्लेन वाटर में ड्राई रेसिस को रखते हो तो वाटर, जैसे मान लो ये रेसिस है, अगर प्लेन वाटर में रखोगे तो वाटर जो होगा वो इसके अंदर जाएगा जिससे ये स्वेल अप हो जाए। तो अंदर की तरफ वाटर जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। तो जब प्लेन वाटर में रखते हैं तो एंडोस्मोसिस होता है। फिर कहा जा रहा है स्टेट द रीजन फॉर वट एवर इज एब्जॉर्ब, तो ये आपको बता दिया रीजन। व्हाट वुड हैपन इफ दीज रेजिन्स आर देन प्लेस इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब अगर आप इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रखोगे तो वाटर जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आए, बाहर की तरफ, क्योंकि सॉल्ट जो होगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में ये होता है कंसंट्रेशन अंदर की ज्यादा हो जाती है, बाहर की कम हो जाती है। सॉल्ट जो होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कंसंट्रेशन कम कर देता है। तो अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पानी बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा तो इसको आप कहोगे एक्सोस्मोसिस। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होता है और प्लेन वाटर में क्या होता है, एंडोस्मोसिस। राइट,